Hello and welcome back. So what you see exactly over here on the table is a little, you know, complicated thing. This is the cylinder kit of RX-135 5-speed 4TL10 132 centimeter cube or 132 cubic centimeter. So this cylinder kit was on my 5-speed and I had got it recently, you know. So this piston kit I have taken out from the motorcycle and I have just taken out to find out something for myself, but in meantime I found something that would be helpful for you people as well, which is this one. So if you see on this piston, this is a 1.25 mm piston and this is from PKRJ, made in Japan. And if you see over here right, you see these marks. These are scoring marks over the piston, and these marks are very dangerous for your motorcycle if it goes deep inside it or at multiple places. So in my case, these scoring marks are not at multiple places. मतलब ये जो दाग है, ये दाग अगर गहरा हो जाता है तो सोचने वाली बात है, and you may need to replace the piston or get things aligned. और साथ में है कि ये दाग कई जगह पे होना चाहिए. अगर प्रॉब्लम है तो आपकी ये जो मार्क्स है ये कई जगह पर होना चाहिए, लेकिन ये कई जगहों पे नहीं है, तो इसका मतलब कि सिर्फ यहाँ पे है. और ये जो हिस्सा है, ये पिस्टन का इंटेक साइड का हिस्सा है. एज दिस पोर्शन बिलोंग टू इंटेक साइड, सो डेफिनेटली देयर शुड बी समथिंग मार्क्ड ओवर इन द बोर एज वेल ऑन द इंटेक साइड. सो आई क्लीन द बोर थरोली एंड इफ यू लुक ओवर हियर, दिस इज द इंटेक साइड. ऑलराइट, सो जस्ट ओवर देयर इफ यू सी, देयर इज स्क्रैच मार्क्स ओवर हियर. इट इज़ नॉट वेरी डीप, इट इज़ शैलो, इट इज़ डीप, इट इज़ लाइक यू नो स्क्रैच मार्क्स नहीं है, वो स्कोरिंग मार्क्स है. तो ये जो चीज़ होता है, ये इसलिए होता है, ये बताना चाह रहा हूँ कि दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ डस्ट पार्टिकल. अगर आपका एयर फिल्टर गाड़ी का साफ़ नहीं है, या फिर कार्बोरेटर में कचड़ा है, या फिर किसी भी तरह से आपके इस वाले हिस्से में गाड़ी का यहाँ पे लगाते वक्त यहाँ पे कचड़ा रह गया है, बाई एनी मीन्स इफ देयर इज डस्ट स्टक ओवर हियर एट दिस पोर्शन, तो वेन एवर द सक्शन स्ट्रोक अकर्स, what will happen that time, the dirt will get inserted inside and it will start rubbing with the piston and the cylinder walls. So this can be sometimes very dangerous. Luckily I have found it over here before the scratch went too deep. It is very light, I cannot stick my fingers over there. Fingers nahi phas rahe hain wahan pe, to ye theek hai, halka hai, it is going smooth. To ab kya kar rahe hai na ki aisa jab bhi ho aapke gaadi mein, whenever you find this kind of marks, to aapko kya karna hai ki पिस्टन के रिंग्स को, इसकी ग्रुप को, और ये सारा जो पोर्ट्स होता है, ट्रांसफर पोर्ट और इनलेट और एग्जॉस्ट पोर्ट, इवन इफ़ यू डोंट क्लीन इट चलेगा, लेकिन आपको जितना भी ट्रांसफर पोर्ट और इनटेक पोर्ट्स होता है, इन सारे पोर्ट्स को क्लीन करना होगा. एज यू कैन सी ओवर हियर, आई हैव क्लीन इट थरोली. अब इसमें कोई पार्टिकल नेचर का कोई चीज़ नहीं है, यूजुअली यहाँ पे पार्टिकल्स रह जाते हैं, तो जो कि कई बार हम लोग बोर खुलवाते हैं स्लीव करने के बाद, है ना, स्लीव वगैरह करवाते हैं जब हम, तो उसके बाद फिर ये चीज़ों को साफ़ नहीं करवाते. तो साफ़ नहीं करवाने की वजह से क्या होता है, ये चीज़ें हमारे गाड़ी के अंदर चली जाती हैं, एंड वंस इट गोज़ इनसाइड, वो यहाँ पर रगड़ाना शुरू होता है, इट स्टार्ट्स रबिंग ओवर हियर एंड इवेंचुअली ये दाग हो जाता है. तो किसी भी तरह के यू नो कचरा से गाड़ी के सिलेंडर को बचा कर रखना ज़रूरी होता है. एंड मेक श्योर वेन यू आर गेटिंग योर बोर रीबोर्ड, है ना, आप उसको साफ़ अच्छे से कर लें यूजिंग सम स्ट्रॉन्ग कंपाउंड. Even if you do not have strong cleaner, at least try to get cleaned it by using some kerosene or you know petrol. क्योंकि उसको साफ़ करना, ब्लो करना बहुत ज़रूरी है, ताकि उसके अंदर के साइड में ये जो पोर्ट्स वाला एरिया है ना, ये सारा पोर्ट्स वाला एरिया अंदर से जो है ट्रांसफर पोर्ट का जो पैसेज है, इनलेट और एग्जिट पोर्ट है, इन सारे पोर्ट्स में कचरा ना रहे. अगर वो रह जाएगा तो फिर बड़ा दिक्कत है यार, वो रबिंग होना शुरू हो जाएगा, फिर आपको फिर पिस्टन वगैरह चेंज करना होगा. तो इसीलिए मेक श्योर वैन यू गेट योर बोरिंग जॉब और व्हेनेवर यू आर गोइंग टू नेक्स्ट ओवरसाइज, मेक श्योर दैट यू क्लीन इट नाइसली, क्लीन इट वेल, क्लीन इट थरोली एंड ब्लो एयर, ताकि कोई भी कचरा ना रहे और इस तरह का सिचुएशन ना क्रिएट हो. और रीबोरिंग कराने के बाद हो सके तो अपना कार्बोरेटर और एयर फिल्टर को भी ज़रूर क्लीन कर ले. तो अगर ये चारों तरफ है तो कोई और ही वजह है, लेकिन अगर ये किसी एक साइड पर खास करके देखिए, इस पिस्टन में जैसा कि आप देख सकते हैं कि इट इज़ ओनली ऑन द वन साइड, कहीं नहीं है, और ये स्क्रैच मार्क्स यहीं पर है सिर्फ. तो ये किसी खास वजह से हो रहा है, ये हो रहा है किसी ना किसी तरह का डस्ट पार्टिकल की वजह से. क्योंकि मेटल पार्टिकल्स अगर मिट्टी रह गया तो चलो वो तो पिस जाएगा, लेकिन इफ़ यू आर हैविंग सम मेटल एलिमेंट्स ओवर देयर, देन मेटल एलिमेंट्स विल कॉज दिस काइंड ऑफ स्क्रैचेस.
So be very careful with it, and very cautious before you install a sleeved or you know oversized bore. कि अभी जो है ना कि piston का जो clearance है वो ठीक है, it is good, the piston is still tight, so this will be fine. So piston is still tight and this is still fine, ये चलेगा भी मेरे गाड़ी में. तो अब खैर इसको हल्का सा हम इसको पॉलिश करेंगे ये वाले पार्ट को, और इस पिस्टन को वापस से फिट करेंगे. रिंग्स वगैरह में कोई इश्यूज़ नहीं हुए हैं, रिंग्स आर परफेक्ट एंड इंटैक्ट. इसको वापस से गाड़ी में लगाएंगे और मज़े में फिर चलाएंगे थोड़ा टाइम धीरे धीरे, एंड देन इवेंचुअली स्पीड पर चलेंगे. तो ये गाड़ी अभी भी 120-130 अराउंड स्पीडोमीटर पर, 120 का स्पीड ये गाड़ी आराम से कवर कर रही थी मज़े में, मज़ा आता है इसको चलाने में. तो ठीक है, मज़ा के साथ थोड़ा सजा भी होता है लेकिन ख्याल रखना पड़ता है उसका भी. तो दिस इज़ हाउ आई केम टू दिस फॉर्चुनेटली ऑन टाइम, एंड दिस विल बी अ स्मॉल मैसेज फॉर ऑल यू पीपल जो लोग रीबोरिंग वगैरह करवा रहे हैं गाड़ी में. हूएवर आर गेटिंग रीबोर्ड और द पिस्टन ओवरसाइज, मेक श्योर दैट द पोर्ट्स एंड एवरीथिंग इज क्लीन प्रॉपरली सो दैट नन ऑफ द स्लजेज और द डर्ट गोज इन ओवर हियर एंड मेक स्क्रैचेस लाइक दिस. दिस मे मेक यू फॉल इन मोर ट्रबल इफ यू डोंट गेट इट क्लीन. यू नो इट्स जस्ट अ 5 minutes ऑफ वर्क, एंड इफ यू डोंट डू इट थरोली देन इट मे कॉज यू यू नो 2,000-3,000 रुपीज़ का गच्चा लग जाएगा फिर. चलिए फिर यही बात है, और इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं. मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट ब्लॉग में. टेक केयर, बाय बाय, जय.